मैच नंबर 9 सवाई मानसिंह का मैदान, दो विकेट कीपर कप्तान, एक तरफ है रजवाड़ो की राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान है संजू सैमसंग और दूसरी तरफ है दिल्ली लोकल बॉय यानी कि ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स। क्या होगी प्लेइंग 11, किसे बनाए कप्तान, किसे बनाए वाइस कप्तान, कौन जीतेगा ये मैच, सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान की प्लेइंग 11 की तो वो दिख सकती है कुछ इस तरह से, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, एक युवा और एक्सपीरियंस, वैसे यशस्वी अब युवा तो नहीं है, इतने भी युवा नहीं है आईपीएल में, बट हाँ युवा है जॉस बटलर, एक्सपीरियंस है, तो उनका कॉम्बो काफ़ी डेंजरस हो सकता है इस मैच में भी। उसके बाद आएंगे टीम के कप्तान संजू सैमसंग, लास्ट मैच के हीरो संजू सैमसंग, इस मैच में भी कुछ हीरोइक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देन मिडिल ऑर्डर में हम देखने को मिल सकते हैं ध्रुव जुरेल, जो कि अब इंडियन टेस्ट टीम में भी अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं हमें रिसेंट टाइम में। और लास्ट में अगर बॉलर्स की बात करें तो वहाँ में दिखेंगे आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। तो ये थी राजस्थान की टीम। बात करें अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो वो दिख सकती है हमें कुछ इस तरह से कि दोनों ऑस्ट्रेलियन डेंजरस डुओ फिर से ओपन करने आ सकते हैं, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श। पिछले मैच में बहुत घातक शुरुआत की थी मिशेल मार्श ने डेविड वार्नर की, वही धीमी धीमी शुरुआत, लेकिन अच्छा पेस पकड़ के वो भी बैटिंग कर रहे थे। देन वेस्ट इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज शाई होप, शे होप का लास्ट मैच बहुत अच्छा किया था, आईपीएल डेब्यू किया था वहां पे, लेकिन स्टिल बहुत डेब्यू के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। देन टीम में वापसी करे, क्रिकेट में वापसी कर रहे बेसिकली ऋषभ पंत, अपना वापसी के बाद दूसरा आईपीएल मैच खेलेंगे। पहले मैच में कुछ अच्छे टच में दिखे, अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन एक गलत शॉट खेल के भी आउट हो गए ऋषभ पंत। देन हमें देखने को मिलेंगे मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर है, युवा बल्लेबाज है, उनसे काफी उम्मीद होंगी दिल्ली के मैनेजमेंट को। देन बॉलर्स में मुकेश कुमार, खलील और कुलदीप, मुकेश की वापसी हो सकती है टीम में, बिकॉज ईशांत शर्मा को देखा था हमने लास्ट मैच में चोटी लग गए, तो मुकेश कुमार इस मैच में वापसी कर सकते हैं। ऐसे दिख सकते हैं कुछ दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं अगर हम फैंटेसी 11 की या फैंटेसी प्रेडिक्शन की, तो वो होगी खेल क्रिकेट की कुछ इस तरह से। तो फैंटेसी के हमारे खेल क्रिकेट के 11 खिलाड़ी जो हमने सिलेक्ट किया वो कुछ इस तरह से है कि विकेट कीपर पे हमारा ज्यादा ध्यान रहा है, बिकॉज विकेट कीपर्स कुछ ज्यादा ही है दोनों टीम से, और बैटिंग भी कुछ उसी तरह दमदार करते हैं ये विकेट कीपर्स। विकेट कीपर्स की बात की जाए तो हमने रखा जॉस बटलर को, संजू सैमसंग और शे होप को, लास्ट मैच की इनकी इनिंग देखते हुए हमने शे होप को रखा इस टीम में। देन बैट्समैन की बात करें यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स, ये भी विकेट कीपर है, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो, और डेविड वार्नर। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो हमने इस मैच के लिए सिर्फ एक ऑलराउंडर लिया है, जो कि है मिशेल मार्श, बिकॉज हमें लगता है कि इस मैच में बॉलर्स का ज़्यादा दबदबा होगा, तो हमने 4 बॉलर्स इस मैच के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो कि यूजी चहल, ट्रेंट बोल्ट, देन दिल्ली के कुलदीप यादव, हमने दोनों कुलचा यानी कुलदीप और युजवेंद्र चहल को सिलेक्ट कर लिया, और खलील अहमद, दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स ट्रेंट बोल्ट और खलील अहमद इस मैच में थोड़े डेंजरस साबित हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। तो इस तरह से दिख सकते हैं कुछ फैंटेसी 11, आप भी इस टीम के साथ जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पैसे या ज़्यादा अमाउंट आपको जीतने हैं। बात करें अगर कैप्टनसी की, किसे बनाए कप्तान, किसे बनाए वाइस कप्तान, तो कैप्टनसी के लिए हमने सिलेक्ट किया मिशेल मार्श को, ओपन करने आते हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, तो अगर एक दो विकेट मिल जाए और रन भी बना दे तो आई गेस ये अच्छी पिक हो सकती है हमारी कैप्टनसी के लिए। देन वाइस कैप्टनसी के लिए हमने सिलेक्ट किया इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर को, जो कि राजस्थान के ओपनर है और यशस्वी जायसवाल के साथ आते हैं। लास्ट मैच उनका अच्छा नहीं रहा था, बट हाँ ये मैच उनका अच्छा जा सकता है, जॉस बटलर आईपीएल के लेजेंड है आप सबको पता है। तो वाइस कैप्टनसी के लिए जॉस बटलर और कैप्टनसी के लिए हमने सिलेक्ट किया मिशेल मार्श को, एक बार फिर से बता दूं। और आप हमारी चॉइस से अगर सहमति नहीं रखते हैं तो फिर आप संजू सैमसंग को कप्तान बना सकते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स या फिर यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11, आप इस टीम के साथ भी जा सकते हैं और खेलना आपका फैंटेसी के साथ और लाइनअप के साथ देता है कुछ प्रेडिक्शंस भी। तो खेलना की प्रेडिक्शन इस मैच के लिए होगी कुछ इस तरह से। तो बात की जाए अगर इस मैच की प्रेडिक्शंस की, तो सबसे पहला प्रेडिक्शन तो यही है खेल क्रिकेट का कि संजू सैमसंग और मिशेल मार्श दोनों मिलके 50 या उससे ज़्यादा रन बना सकते हैं और यशस्वी जायसवाल अकेले 45 या उससे ज़्यादा रन बना सकते हैं। देन ट्रेंट बोल्ट और खलील अहमद 3 या उससे ज़्यादा विकेट ले सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों लेफ्ट आर्मर्स को लिया तो अच्छे स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉल स्विंग होगी तो वहाँ पर इन दोनों बॉलर्स का रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। देन कुलदीप यादव ऑब्वियसली फॉर्म में है तो उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 या उससे ज़्यादा विकेट ज़रूर लेंगे इस मैच में। और अगर बात करें कि ये मैच जीतेगा कौन, तो मैं तो जा रहा हूँ राजस्थान के साथ। तो हमने आपको लाइनअप भी बता दी, फैंटेसी भी बता दी और प्रेडिक्शंस भी बता दी अपनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और खेल क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।